सब्सक्राइब करें रियल सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रियल सपोर्ट पर। दोस्तों, इस वीडियो में ITI के बारे में मैं बता रहा हूं कि ITI में एडमिशन जो है वो किस तरह से आप ले सकते हैं और ITI में गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में क्या अंतर होता है और क्या समानताएँ हैं और इससे जो है जॉब में ITI से जो है आप जॉब किस तरह से ले सकते हैं, इसी के बारे में ये वीडियो है। तो एंड तक देखिए और इसका लाभ लीजिए। दोस्तों, इस समय जो है ITI में एडमिशन जो है वो ऑनलाइन आप फॉर्म भरते हैं तो अब आपका एडमिशन होता है, लेकिन एडमिशन जो है पहले इसमें इंट्रेंस एग्जाम के द्वारा होता था, लेकिन इस समय जो है ITI में एडमिशन आपका जो है हाई स्कूल के मेरिट के हिसाब से होता है। तो दोस्तों, आपका हाई स्कूल में मेरिट कितना है उसी के हिसाब से आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे दिए जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है, आपका परसेंटेज जो है वो हाई स्कूल में कम है, तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो आप ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से कोई दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, मैं बात यहाँ पे एक स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आपको जो डिग्री मिलती है वो दोनों की जो है वैल्यू एकदम सेम है, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से करें या प्राइवेट कॉलेज से, आपकी जो डिग्री की वैल्यू है वो सेम है। बस अंतर आपको ये पड़ता है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस है वो आपको दोस्तों कम देना पड़ता है और यहाँ पर जो है प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ीस होती है वो आपको ज़्यादा देना पड़ता है। दोस्तों, जब आप ITI में एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम होती होगी कि आप किस ट्रेड में एडमिशन लें। तो दोस्तों, जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है वहाँ पे आपको कई ट्रेड मिल जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, वहाँ पे जो है गवर्नमेंट कॉलेज में आपको कई ट्रेड मिल जाएंगे, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में जो है सिर्फ आपको दो ही ट्रेड देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रीशियन और फिटर। तो दोस्तों, आप जब प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको इलेक्ट्रीशियन और फिटर यही दो ट्रेड देखने को मिलते हैं, तो इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप किस ट्रेड में एडमिशन लें। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपको जो काम पसंद हो उसी के हिसाब से आप जो है अपने ट्रेड का चुनाव करें। फिटर मतलब यानी कि मैकेनिकल वर्क और इलेक्ट्रीशियन यानी कि इलेक्ट्रिकल वर्क। दोस्तों, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज में कई ट्रेड मिल जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, इसमें जो है अलग अलग ट्रेड की अलग अलग ही जो है कोर्स ड्यूरेशन होता है, कोई 2 साल का होता है, कोई 1 साल का होता है। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन और फिटर जो है ये आपका 2 साल का ट्रेड है और जो डीजल मैकेनिक है ये आपका 1 ही साल का ट्रेड है। और भी कई सारे ट्रेड हैं आपको एडमिशन लेने के लिए, लेकिन जब आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही ट्रेड मिलते हैं, इलेक्ट्रीशियन और फिटर, और कहीं कहीं पर जो है आपको वेल्डर या एक और ट्रेड देखने को मिल जाता है। दोस्तों, ITI के 2 सबसे फेमस ट्रेड के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रीशियन और फिटर के बारे में। इलेक्ट्रीशियन जो है ट्रेड वो दोस्तों जैसे कि उसके नाम से ही लग जा रहा है आपको कि उसमें जो है इलेक्ट्रिकल वर्क है, और फिटर यानी कि इसमें जो है आपका मैकेनिकल वर्क है। तो आपको जो काम पसंद हो उसी के हिसाब से आप अपने ट्रेड का चुनाव करें। जैसे कि दोस्तों, अगर जॉब की भी बात की जाए तो इलेक्ट्रीशियन में गवर्नमेंट सर्विस में जो है इलेक्ट्रीशियन का जो है सीट ज़्यादा निकलता है और फिटर का सीट जो है वो कम निकलता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सब जो है अलग अलग मतलब वैकेंसियां निकालती हैं ITI से संबंधित, तो उसमें अलग अलग ट्रेड का मांग भी करती हैं और सबकी सीट भी जो है वो अलग अलग होती है। दोस्तों, जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट सर्विस के अलावा प्राइवेट सर्विस भी करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको जो है वो ट्रेड जो है ट्रेड का चुनाव जो है बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर हैं और आप फिजिकल वर्क कर लेंगे तो आपको जो है फिटर में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है मैकेनिकल वर्क है, और जो इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है दोस्तों उसमें जो है आपका थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक से संबंधित उसमें आपको जानकारी रहती है तभी आपको जो है उसमें काम करने का मौका दिया जाता है। दोस्तों, जैसे कि अलग अलग ट्रेड का अलग अलग जगह पे जो है आपको जॉब मिल सकती है, जैसे कि रेलवे में दोस्तों इलेक्ट्रीशियन और फिटर ये दोनों ट्रेड जो है आपका लोको पायलट में, टेक्नीशियन में और भी कई पोस्ट हैं उसमें जो है आपका ये ITI का ट्रेड मांगता है अलग अलग, और अलग अलग सबकी सीटें भी होती हैं। तो और दोस्तों, जैसे कि प्राइवेट में बात करें तो आपको प्राइवेट में मोबाइल की कंपनी में आपको इलेक्ट्रीशियन वाले जो है वो जा सकते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट
इसके सर्विस में बात करें तो जैसे कि उत्तर प्रदेश में तो यूपी पीसीएल में आपको आईटीआई अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो उसमें सीट निकलती है, और अगर नलकूप विभाग की बात करें या सिंचाई विभाग की बात करें तो वहाँ पर जो है फीटर की ट्रेड की जो है वो ज़्यादा निकलता है सीट। तो जैसे कि जो दो फेमस ट्रेड है आईटीआई का वो इलेक्ट्रीशियन और फीटर है। जैसे कि दोस्तों अगर आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो उसमें जो है फीस ज़्यादा होते हैं, तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बना करके और आप जो है आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरिए और आपका जो फीस है वो रिफंड हो जाता है। दोस्तों अगर डिमांड देखा जाए ट्रेडों का तो इसमें जो है इलेक्ट्रीशियन का डिमांड जो है वो ज़्यादा है और जो फीटर का डिमांड है वो थोड़ा कम है, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन का जो वर्क है वो साफ़ सुथरा है और जो फीटर का वर्क है वो मैकेनिकल वर्क है। ये मैं कई बार इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और जहाँ तक दोस्तों चॉइस की बात है तो आपको अपने पसंद से जो है वो ट्रेड चूज करना चाहिए। और जैसे कि गवर्नमेंट सर्विस में सीट की बात है तो जैसे कि अगर 10 सीट निकलता है इलेक्ट्रीशियन का तो फीटर का भी आपका 8 या 9 सीट जो है वो निकल ही जाता है। तो दोनों ही ट्रेड अपने अपने जगह पर अच्छे हैं। आपके ट्रेड चूज करने की बात है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करें तो मैं आपके सारे जो कमेंट आएगा उसका एनालाइज करके आपका उसका मतलब रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। दोस्तों तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें और हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों आईटीआई से संबंधित और भी जो जानकारियाँ हैं उसके बारे में मैं वीडियो बनाता रहूँगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद। वंदे मातरम।